नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूप शर्मा है और मैं शिशु गहन चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे कि छोटे बच्चों में होने वाले निमोनिया क्या हैं। क्या निमोनिया बोलना सही शब्द है? एक बीमार बच्चा जिसकी सांस चल रही है या वो नीला पड़ रहा है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि निमोनिया क्या है और इसकी कैसे हम बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। तो निमोनिया यानी फेफड़े में होने वाले इन्फेक्शन बच्चे में किस तरीके से आता है ये आज हम देखेंगे। तो इसके दो प्रकार होते हैं जिसको एक हम हिंदी में दो हिस्सों में बांटेंगे, माइल्ड और सीवियर। इसका अर्थ ये है कि क्या बच्चे की सांस चल रही है? अगर हाँ तो बच्चे को हमको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आमतौर पर ये निमोनिया डायरेक्टली सांस चलने से शुरू नहीं होता है। बच्चे को पहले बुखार आना, बच्चे के मुंह से लार निकलना, खाना पीना छोड़ देना, इरिटेबिलिटी या फिर बच्चे का चिड़चिड़ापन हो जाना, पेरेंट्स के सामने ये शिकायत आना कि बच्चा बहुत लंबे समय से सो रहा है, कम उठ रहा है और किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, ये पहले लक्षण हो सकते हैं निमोनिया के आने के। तो अगर बच्चे को बुखार आ रहा है और बच्चे की सांस में इस तरीके की कोई शिकायत लग रही है तो हमको ये सावधान हो जाना चाहिए कि ये बड़ा निमोनिया भी आगे जाके बन सकता है। इसी समय अगर हम बच्चे का सही इलाज शुरू कर दें तो ये सारी चीज़ें बड़े निमोनिया में बदलने से हम रोक सकते हैं। अब बड़े निमोनिया और इस छोटे निमोनिया में क्या डिफरेंस है? बड़े निमोनिया होने का मतलब है क्या बच्चा नीला पड़ने लगा है, क्या बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं या फिर बच्चे के मुंह से झाग आना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो चुकी है, बच्चा बेहोश हो रहा है। तो हमको बिना वक्त को ज़ाया किए अपने नज़दीकी डॉक्टर को इस बच्चे को दिखाना चाहिए क्योंकि ये बड़े निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। अब निमोनिया का इलाज कैसे किया जाता है? गहन चिकित्सा इकाई में इस तरीके के जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले बच्चे को एग्ज़ामिन करते हैं या बच्चे का परीक्षण करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और बच्चे का ब्लड प्रेशर या खून की चाल, रक्त की चाल जिसे हम कहते हैं, वो ठीक है तो हम बच्चे को HDU में रखते हैं, जो कि एक छोटा PICU आप समझ सकते हो, पीडियाट्रिक ICU। अब बच्चे के निमोनिया के साथ बच्चे को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इस बच्चे को ICU में एडमिशन की ज़रूरत होती है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का सेचुरेशन कितना चल रहा है, क्या बच्चे को फेफड़ों के साथ साथ और कोई अंग भी इन्वॉल्व है जिसमें परेशानी दिख रही है हमको, क्या बच्चे के शरीर पर दाने हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चे का इलाज शुरू किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को स्टेबलाइज कर किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है क्योंकि किसी भी क्षण बच्चे को सांस देने वाली मशीन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। वेंटिलेटर का मतलब ये होता है सांस देने वाली मशीन, जो बच्चे को खुद की सांस पे ना बच्चा ले पा रहा हो उसके लिए मशीन की गई है ये। और ये भी दो तीन प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रकार हमारे महात्मा गांधी अस्पताल के पीडियाट्रिक ICU में अवेलेबल हैं। लेकिन इस चीज़ की नौबत आ क्यों रही है? हम बच्चे के सही समय पे इलाज नहीं करवाएं या फिर बच्चे के लक्षण हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए ये बड़े निमोनिया बनने की नौबत आती है। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब भी कोई इस तरीके का लक्षण देखें, मैं आपको एक बार बच्चे के लक्षण फिर से बताता हूँ। लाल दाने निकल जाना, तेज़ बुखार आना, बच्चे की पसलियाँ चलना, खाना पीना छोड़ देना, बच्चे का चिड़चिड़ापन आ जाना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो ये निमोनिया हो सकता है। और जल्द ही अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या फिर बाल रोग विशेषज्ञ से जाके मिलें और उनसे सलाह लें कि हमको इस बच्चे के लिए अब आगे क्या करना है। दूसरी विनती मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। खुद से एंटीबायोटिक देना, कौन सा एंटीबायोटिक देना होता है, कब देना होता है, ये आप डॉक्टर पर छोड़ें। हमारा कर्तव्य ये है कि जब भी हम बच्चे को परेशानी की हालत में देखें तो सबसे पहले बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे सलाह लें कि अब हमको क्या करना है। क्योंकि कई बार निमोनिया इतने बिगड़ जाते हैं कि वेंटिलेटर या सांस देने वाली मशीन पर जाने के बावजूद बच्चे की जान को खतरा होता है। तो आज हमने बात करी निमोनिया के बारे में। जल्दी हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।